हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और मैं आपका अपने चैनल रेओन में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको सीपीयू का मॉडल दिखाने वाली हूं जो मैंने अपने बेटे के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। तो चलो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल मैंने शूज़ का जो बॉक्स आता है उससे बनाया है। इसको मैंने शूज़ का बॉक्स को लिया और उसके बाद ब्लैक कलर के पेपर से इसको पूरा रैप कर दिया आगे पीछे से। और ये पेपर जो है 40 रुपीज़ का मैंने लिया था मार्केट से, लेकिन ये सस्ता मिल जाता है, बट ये थोड़ा मोटा पेपर है, मोटे पेपर से ये फटेगा नहीं, इसलिए मैंने इस पर मोटा पेपर यूज़ किया। कलरफुल मैं टेप लेके आई थी, मैंने इसको बाउंडेज करके थोड़ा ऐसा इसको शेप दे दिया है टेप के हेल्प से। यहाँ पे सर्कल बटन प्रेस करते हैं ना हम सीपीयू में, तो मैंने यहाँ पे बटन लगाया है ऐसा। यहाँ पे छोटे छोटे ये रेक्टेंगल शेप के बनाए हैं, एक सर्कल ऊपर दिया है, जो लाइट जलती है ना वो ब्लिंक होती है लाइट, वो लगाया है मैंने यहाँ पे। इसके जस्ट बैक साइड मैंने यहाँ से वायर जाते हैं, तो मैंने जस्ट लाइक ऐसे ही इस पर यहाँ पे टेप से रैप करके थोड़ी सी ये शेप दे दी है इसको। अब ये जो हमारा साइड का बचा हुआ है, अब इसको कैसे छिपाएं, इसके लिए मैंने कुछ किया है। तो चलो हम अपने पेपर को इस पर स्टिक करते हैं ताकि ये हाइट भी हो जाए और हमारा पेपर इस पर लग के अच्छा भी लगे। तो इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से लगा रही हूँ। आप इसको मीन्स फेविकोल या फेविस्टिक की हेल्प से भी लगा सकते हो। अब इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये पेपर यहाँ पे हमारा स्टिक हो गया है, तो चलो देखते हैं हमारा सीपीयू कैसा लग रहा है। वाओ, जो हमारा साइड में दिख रहा था वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। और यहाँ पे हमने सीपीयू की इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का क्या यूज है। वेरी नाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।